हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 10 की शुरुआत में हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि आखिर उस खूनी ने कैसे योंजो के डैड का फेस लिया था। योंजो के डैड जब अपना काम कर रहे होते हैं, तभी वो खूनी उनके लैपटॉप की हेल्प से बोलता है कि फाइनली तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया और मैं ये फेस पाकर काफी ज्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि ये मुझे काफी अच्छे से सूट करता है, क्योंकि मेरी तरह तुम भी कांगचुल को जान से मारना चाहते हो। और भले ही हमारी बॉडी अलग अलग है, बट हम दोनों की आत्मा यानी कि सोल एक है। योंजो के डैड जब उस लैपटॉप को बंद करने की कोशिश करते हैं, तो वो खूनी उन्हें पकड़ते हुए कहता है कि मुझे पता है कि अब तुम कांगचुल के साथ हो, इसलिए अब तुम दोनों मिलकर मुझे मारने की कोशिश करोगे। आज तक मैंने तुम्हारे सभी ऑर्डर्स को फॉलो किया है, इसीलिए आज से और अभी से तुम भी मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे, क्योंकि हम दोनों एक हैं। जिसके बाद वो योंजो के डैड का चेहरा छीनते हुए उन्हें एक गन एंड कुछ बुलेट्स बनाने के लिए बोलता है, एंड देन उस गन को ले जाकर कांगचुल के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में सभी को शूट करना स्टार्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ योंजो अपने आप से कह रही होती है कि आखिर मैं फिर से वेबटून वर्ल्ड में कैसे आ गई, क्योंकि अब तो मैं कांगचुल को भी याद नहीं। योंजो जब वहाँ के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रही होती है, तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आकर उससे कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन, क्योंकि ये कोट हमारे हॉस्पिटल की नहीं है। जिसे सुनकर योंजो वहाँ से बहाना बनाते हुए भागकर एक रूम में आती है। द नेक्स्ट सीन में हम योंजो को छत में देखते हैं, जहाँ वो अकेली बैठी होती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे कांगचुल भी आ जाता है एंड काफी ज्यादा सैड होता है, क्योंकि उसकी वजह से उसके काफी सारे एम्प्लॉयज हर्ट हो गए थे। वहीं दूर से हमारी योंजो भी उसे नोटिस कर रही थी। कांगचुल जैसे ही वहां से जा रहा होता है, वैसे ही वो अपने सामने योंजो को नोटिस करता है, जो कि उसी को काफी देर से देख रही थी। जिसके बाद वो योंजो के पास जाकर कहता है कि डॉक्टर ओ, योंजो क्या डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में ड्रिंक करना अलाउ है? तो जिस पर योंजो कहती है कि बिल्कुल नहीं, बट अभी मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ। कांगचुल कहता है कि क्या तुम मुझे भी ड्रिंक करने को दे सकती हो, बिकॉज अभी मुझे इसकी काफी ज्यादा जरूरत है। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में ड्रिंक एंजॉय करते हैं। योंजो जब कांगचुल को देख रही होती है, तो कांगचुल उससे फिर से पूछता है कि आखिर तुम मुझे हमेशा ऐसे देखती क्यों रहती हो? तो जिस पर योंजो कहती है कि क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड की तरह दिखते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब योंजो की नींद खुलती है, तो वो अपने आप को वेबटून की दुनिया में ही देखती है, एंड देन काफी ज्यादा परेशान होकर कहती है कि आखिर मैं अभी तक यहाँ पे क्यों हूँ। वो जब खाना खा रही होती है, तभी सामने से कांगचुल भी आ जाता है, एंड उसे वहाँ पे देखकर योंजो कांगचुल को अवॉइड करने की कोशिश करती है। देन नेक्स्ट सीन में हम योंजो को बाहर अकेला बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वो काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसके पास ना तो पैसे होते हैं और ना ही खाने के लिए खाना। तभी उसे सामने सोही दिखती है, जिसके बाद वो सभी से छुपकर सोही के घर के अंदर चली जाती है, क्योंकि उसे सोही के रूम का पासवर्ड पता था। जिसके बाद योंजो अपने खाने के लिए रामेन बनाती है एंड देन अंदर जाकर सोही के कुछ कपड़े एंड पैसे चोरी करती है। बट बेचारे हमारे योंजो की फूटी किस्मत, क्योंकि इससे पहले कि वो यहाँ से जा पाती, तभी किसी काम से कांगचुल भी वहाँ पे आ जाता है, एंड घर की ऐसी हालत देखकर उसे भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कोई तो है। जिसके बाद वो गेट पे एक जोर का किक मार कर योंजो को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद योंजो काफी ज्यादा कोशिश करती है कि कांगचुल उसका चेहरा ना देख पाए, बट एट लास्ट वो ऐसा नहीं कर पाती। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं, जहां कांगचुल योंजो से पूछता है कि आखिर तुम्हें इस रूम का पासवर्ड कैसे पता था? बट यहां पे हमारी योंजो वॉज लाइक अब मैं क्या करूं?
काउंसिल के काफी देर तक क्वेश्चंस करने के बाद एट लास्ट योनजो उसे बताती है कि मैंने 3 दिनों से कुछ भी खाना नहीं खाया है, इसलिए मैं यहाँ पे खाना खाने आई थी क्योंकि मेरे पास खाना खरीदने तक के लिए भी पैसे नहीं थे। जिसे सुनकर हमारा काउंसिल वॉज लाइक, बट तुम तो डॉक्टर हो ना, तो फिर तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो डॉक्टर्स बहुत लूटते हैं। जिसे सुनकर योनजो कहती है कि लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है क्योंकि मैं डॉक्टर यहाँ पे नहीं हूँ। और योनजो की ऐसी बातें सुनकर कांगचुल अपने बॉडीगार्ड से पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। जिसे सुनकर योनजो कहती है कि तब तो ये काफी अच्छी बात है क्योंकि कम से कम मुझे वहाँ पे खाने एंड सोने को तो मिलेगा। जिसे सुनकर हमारा कांगचुल वॉज लाइक, पागल है क्या रे तू, क्या तुम्हें पता नहीं कि आखिर जेल होती कैसी है। योनजो कांगचुल से कहती है कि जब तक पुलिस यहाँ पे आ रही है तब तक क्या प्लीज मैं रामेन खा सकती हूँ क्योंकि मैं सच में काफी ज्यादा भूखी हूँ। जिसे सुनकर हमारा कांगचुल वॉज लाइक, भूखड़ कहीं की। द नेक्स्ट सीन में हम कांगचुल को देखते हैं जो कि योनजो के लिए रामेन बना रहा था, एंड इस बार हमारी योनजो उसे नहीं बल्कि रामेन को घूर घूर के देख रही थी। और ये देखकर तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर अभी हमारी योनजो कितनी ज्यादा भूखी है, बिकॉज पहली बार ये बंदी कांगचुल को छोड़कर किसी और चीज को देख रही है। कांगचुल जब योनजो की चोट पे मेडिसिन लगा रहा होता है तो योनजो उसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करती है, और जब कांगचुल उसकी बात नहीं सुनता तो वो उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वो फिर से एक बार कांगचुल के क्लोज नहीं जाना चाहती थी। एंड उसका गुस्सा देखकर हमारा कांगचुल वॉज लाइक, अरे अरे तो गुस्सा क्यों कर रही है, मैं तो बस मेडिसिन लगा रहा था। कांगचुल उसे अपनी रिंग दिखाते हुए कहती है कि मैं शादी शुदा हूँ बट फिर भी मेरे पास मेरा हस्बैंड नहीं है, वो ना ही मरा है और ना ही हमारा डाइवोर्स हुआ है, हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ 4 रोमांटिक चीजों को ही किया था और जिसके बाद वो मेरी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। उसने मुझसे अभी तक ये भी नहीं कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, मैं भी अपने घर वापस जाना चाहती हूँ बट मुझे ये भी पता नहीं कि आखिर मैं अपने घर वापस कैसे जाऊँ। एंड ये सब सुनकर हमारा काउंसिल वॉज लाइक, प्लीज मेरी माँ चुप हो जा। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ योनजो उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया, बट कांगचुल उसके किसी भी बात का डायरेक्ट आंसर नहीं देता। योनजो कहती है कि अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो ना तो प्लीज मत हो। जिसे सुनकर हमारा कांगचुल वॉज लाइक, मैं और तुम पे बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी तरफ वो खूनी प्रोसिक्यूटर हान को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें कोरिया का अगला प्रेसिडेंट बना सकता हूँ क्योंकि मुझे कांगचुल के बारे में काफी कुछ पता है। जिसके बाद वो योनजो के डैड को ऑर्डर देते हुए उन्हें बैपटून वर्ल्ड में कुछ करने के लिए कहता है। देन नेक्स्ट सीन में हम कांगचुल को उसके अंकल के पास देखते हैं, जहां उसके अंकल उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसे सुनकर कांगचुल कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस रिकॉर्डिंग को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आज से 10 साल पहले कांगचुल की फैमिली को किसी और ने नहीं बल्कि खुद कांगचुल ने मारा था। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कांगचुल के अंकल को कोई शूट कर देता है, जिसे देखकर हमारा कांगचुल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। बट इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता तभी उसके हाथ में एक गन भी आ जाती है, और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सब कोई और नहीं बल्कि वो खूनी योनजो के डैड से करा रहा है क्योंकि अभी योनजो के डैड उसके कंट्रोल में है। गन की आवाज सुनकर वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है बट कांगचुल उन्हें ही गन दिखाकर वहाँ से भाग जाता है। वेल, काफी देर तक पकड़म पकड़ाई एंड भागम भागी करने के बाद एट लास्ट कांगचुल योनजो को लेकर वहाँ से भाग जाता है। काफी दूर तक आने के बाद कांगचुल योनजो से कहता है कि अब तुम मुझे छोड़कर यहाँ से जा सकती हो क्योंकि पुलिस मेरा पीछा कर रही है। बट अब हीरोइन है तो फिर हीरो को अकेला कैसे छोड़ सकती है, वो भी तब जब वो मरने वाला हो, क्योंकि पुलिस के साथ पकड़म पकड़ाई करते समय कांगचुल को भी कुछ गोलियां लग गई थी। एंड यहाँ पे योनजो को समझ में आ जाता है कि मेरे डैड एंड कांगचुल ने मिलकर जिस हैप्पी एंडिंग के बारे में सोचा था वो अब पूरी तरह से फेल हो चुका है
क्योंकि अभी इस बैप्टून वर्ल्ड एंड मेरे डैड को कोई और नहीं बल्कि वो खूनी कंट्रोल कर रहा है। आफ्टर दैट योंजो कांगचुल को सभी से छिपाकर एक होटल के अंदर ले जाती है। कांगचुल उससे पूछता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं या फिर तुम मुझे जानती हो। बट योंजो उसकी किसी भी बातों का कोई भी आंसर नहीं देती। योंजो जब कांगचुल का ट्रीटमेंट कर रही होती है तो कांगचुल उससे पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, क्या मैं मरने वाला हूँ। जिसे सुनकर योंजो कहती है कि बिल्कुल नहीं, ना तो तुम मरने वाले हो और ना ही मैं रो रही हूँ। योंजो कहती है कि तुम्हें अभी और भी ज्यादा मेडिसिन की जरूरत है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। आफ्टर दैट वो कांगचुल के क्लोज जाते हुए कुछ ऐसा करती है, बिकॉज ये बात हमारे योंजो को भी पता थी कि और कुछ काम करे या ना करे, बट ये काम ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर अभी भी आपको शक है तो ट्राई कर लो। उसकी ऐसी हरकत देखकर दूसरा कोई भी शॉक्ड हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि कांगचुल भी शॉक्ड हो गए, क्योंकि भाई वो बंदा जो मरने वाला है उसके साथ तुम कुछ ऐसा करोगे तो वो शॉक नहीं तो और क्या होगा। और हमेशा की तरह कांगचुल के शॉक्ड होते ही वहाँ पे टू बी कॉन्टिन्यूड लिख जाता है, जिसके बाद योंजो वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि कांगचुल उसे फिर से गायब होता हुआ देख ले। जिसके बाद हम उन दोनों को अपने अपने वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को याद करते हुए काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और इसी के साथ हमारा पार्ट 10 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।